हेलो यूट्यूबर्स, जब से यूट्यूब ने स्टूडियो बेटा चालू किया है और क्लासिक स्टूडियो रिमूव कर चुका है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गया है। जैसे क्लासिक स्टूडियो में काम करना हर किसी का आदत बन चुका था, लेकिन आज हमका जो स्टूडियो बेटा चालू कर दिया और क्लासिक स्टूडियो रिमूव कर दिया तो फ्रेंड चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है सबको। जैसे कि आज जो ट्रैफिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ, कॉपीराइट क्लेम कैसे देख पाए। तो फ्रेंड कभी कभी होता क्या है, हम लोगों का कोई म्यूजिक बाहर कोई एक्सटर्नल कोई म्यूजिक वीडियो कार्ड लेने का जरूरत पड़ जाते। जैसे वीडियो में एग्जांपल देने के लिए उसका जरूरत पड़ते, फिर फोटो वगैरह लेना पड़ते, म्यूजिक वीडियो कार्ड लेके फिर वीडियो में हमारा व्यूजर को दिखाने का जरूरत पड़ जाते। तो इसमें से कभी कभी वो म्यूजिक यूज करने से फिर वीडियो यूज करने से कॉपीराइट क्लेम आ ही जाते। तो फ्रेंड अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो हमारा चैनल में स्ट्राइक भी आ सकते, तो इसलिए कॉपीराइट क्लेम आया कि नहीं वो चेक करते रहना तो ही अच्छा है। अगर कोई भी वीडियो में आप अगर ऐसे इस्तेमाल करते तो कैसे बहुत ही आसानी से आप कॉपीराइट क्लेम देख सकते, मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा। तो आप अगर सीखना चाहते तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहिए। और एक बात है फ्रेंड, आप अगर हमारा चैनल में पहले बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं बताया था, स्टूडियो बेटा चलाना और भी आसान है। तो जो भी है, आप आपका चैनल का अंदर आ जाना, आने के बाद आपको डैशबोर्ड में आओगे तो आपका सामने कुछ इस तरह पेश आ जाएगा। तो आप अगर चेक करना चाहते तो सिंपली आपको जाना है वीडियो का ऊपर, वीडियो में क्लिक कर लेना। और फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरा जो जितना भी वीडियो है सामने आ चुका है। तो आपको देखना कैसे, यहाँ पे आप एक फिल्टर मिल जाएगा, तो सिंपली फिल्टर में क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा कॉपीराइट क्लेम, फिर डिस्क्रिप्शन, टाइटल, व्यूज, विजिबिलिटी बहुत सारे मिल जाएगा। तो आप अगर देखना चाहते तो कॉपीराइट क्लेम में ऊपर क्लिक करना। तो फ्रेंड इधर में देख सकते मेरा एक भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं है। तो इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से चेक कर पाओगे आपका कोई भी कॉपीराइट क्लेम है कि नहीं। अगर है होगा आपका चैनल में तो आपका सामने आ जाएगा, जितना भी होगा वो पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा, तो आप आसानी से देख पाओगे। तो फ्रेंड इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से कॉपीराइट क्लेम चेक कर सकते हैं वीडियो में। और भी थोड़ा टॉपिक आपको बताया है वो भी चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में यूट्यूब के बारे में कोई भी जानकारी आपको जरूरत है तो मेरे को कमेंट्स करना, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई देते रहूंगा। और अगर जरूरत पड़े तो उसका आपका कमेंट के ऊपर वीडियो भी बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड तब तक अच्छा रहना, घर में ही रहना। नमस्कार।